नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। हाईवे पर हुआ जबरदस्त हादसा, 5 हुए घायल जिसमें एक की हालत नाजुक। मामला अंबेडकर नगर जिले का है। मंगलवार को दिन में करीब 1 बजे कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के अंतर्गत भिखारीपुर गांव के समीप हाईवे पर बाइक सवार युवक साइकिल से टकरा जाने से रोड पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर उपचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आपको बताते चलें कि थाना महारुआ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर हरिनंदन निवासी राजेश पुत्र लाल मर विश्वकर्मा की बहन दिल्ली से चलकर अकबरपुर पहुंची थी। उन्हीं को रिसीव करने के लिए राजेश विश्वकर्मा अकबरपुर गया था और अकबरपुर से अपने दोनों वाहनों सहित 2 बच्चों को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही सुल्तानपुर मार्ग भिखारीपुर हाईवे पर सामने जा रही लड़की के पीछे साइकिल से टकरा गया, जिससे वह डिसबैलेंस हो गया और बाइक पर सवार 5 लोग हाईवे पर गिर गए, जिसमें राजेश विश्वकर्मा गंभीर रूप से चोटिल हो गया तथा नाक और मुंह से खून निकलने लगा। दोनों बच्चों एवं दोनों महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। राजेश की हालत गंभीर देख दोनों महिलाएं चीख पुकार करने लगी। चीख पुकार सुन स्थानीय ग्रामीण जुट गए। राजेश की हालत गंभीर देख स्थानीय ग्रामीणों ने 108 नंबर डायल किया तथा महिलाओं को धीरज बनाने की अपील करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एम्बुलेंस के इंतजार में करीब आधे घंटे बीत गए। लोग इंतजार करते रहे, तभी 108 नंबर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और जिला अस्पताल ले गई, जहां पर उसका इलाज जारी है। बताया भी जाता है कि दोनों बच्चों का मुंडन कराने के लिए विंध्याचल जाने की तैयारी कर रहे थे और जल्दबाजी के चक्कर में यह हादसा हो गया। देखिए यह रिपोर्ट। मैं इस समय अम्बेडकर नगर भिखारीपुर हाईवे पर मौजूद हूँ। मैं आप सभी को सर्विलांस खबर के माध्यम से अंबेडकर नगर भिखारीपुर हाईवे से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। युवक के नाक और मुंह से बहुत अधिक खून निकल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी वाहन को बैठाकर अकबरपुर से आ रहा था और इस स्थान पर 2 लड़कियाँ साइकिल से जा रही थी, शायद बाइक साइकिल से टकरा गई, जिससे यह युवक हाईवे पर मुंह के बल गिर गया है, इसीलिए नाक और मुंह से खून निकल रहा है। 108 नंबर डायल किया गया है। बहरहाल युवक को इस बेंच पर लिटा दिया गया है। एम्बुलेंस आने का इंतजार कर रहे हैं लोग। यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत शोरगुल है। Thank you.